हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग हाउ आर यू आई होप ऑल वेल टुडे इन दिस वीडियो डिस्कस अबाउट साइंस क्लास फोर चैप्टर नंबर 2 टूथ एंड माइक्रोवेब्स इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट ग्रोथ ऑफ टीथ टाइप ऑफ टीथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ टूथ इन दिस वीडियो डिस्कस अबाउट टूथ कैय एंड प्रिवेंशन ऑफ टूथ कैय ओके तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टूथ कैय ओके डिके मींस बेटा खराब होना या क्षरण होना ठीक है दांत का खराब होना नैरोली बोल सकते हो आप लोग हम लोग देखते हैं इसके अंदर व्हेन वी ईट फूड कंटेनिंग सुगर सच एज कैंडी स्वीट मिल्क बट्स ऑफ फूड गेट्स अ इन आवर टीथ एंड रिमेन देयर इफ वी डू नॉट क्लीन द टीथ व्हेन वी ईट फूड जब हम लोग फूड को लेते हैं टेक कंटेनिंग शुगर जिसमें शुगर्स होता है जैसे सच एज कैंडी हो गया स्वीट्स हो गया मिल्क हो गया बाइट ऑफ फूड हो गया ठीक है फूड का बाइट्स हो गया गेट्सक फंस जाते हैं बेटा इन द दवर टीथ हम लोग के टीथ के अंदर फंस जाते हैं एंड रिमाइंड द फोर वी डू नॉट क्लीन द टीथ वो तब तक रहते हैं जब तक हम लोग दांत को सॉफ नहीं करते हैं जर्म एंड बैक्टीरिया स्टार्ट फिस्टिंग ऑन द फूड पार्टिकल्स ठीक है जो जर्म एंड बैक्टीरिया होते हैं स्टार्ट फिस्टिंग में बेटा खाना ठीक है फिट करना शुरू कर देते हैं अंदर फूड पार्टिकल जो फूड के पार्टिकल्स उसमें स्टक होते हैं फंसे हुए होते हैं उनको जम्स ऑफ बैक्टीरिया खाना स्टार्ट कर देते हैं दे बिगिन टू ग्रो एंड विद इन मिनट्स स्टार्ट डिस्चार्जिंग एसिड एज वेस्ट ठीक है दे बिगिन ग्रो ए बिगिन मींस स्टार्ट हो जाते हैं ग्रो करना ठीक है एंड विथ इन अ मिनट ठीक है मिनट एक मिनट के अंदर ही स्टार्ट डिस्चार्जिंग एसिड एड वेस्ट ठीक है ए डिस्चार्ज करने लगते हैं छोड़ने लगते हैं एसिड और वेस्ट जो भी एसिड और वेस्ट होता है वह डिस्चार्ज करने लगते हैं द एसिड अटैक द इनेमल विच इज द बिगिनिंग ऑफ द टूथ डिका ठीक है द एसिड अटैक जो एसिड ओ डिस्चार्ज करते हैं वो अटैक करता है इनैमल को जो स्टार्ट हो जाता है विच इज बिगिनिंग ऑफ द टूथ डिका जो टूथ डिका का बिगनिंग शुरुआत हो जाती है ओके okay? if not checked if not check the decoy continue and may create a hole in the tooth called cavity ठीक है if not checked यदि चेक check नहीं किया जाए the decoy continue ठीक है यदि decoy continue चला है and may create a hole ठीक है in the tooth ये tooth में एक hole create कर देते हैं एक hole बना देते हैं जिसको क्या बोला जाता है बेटा called cavity okay a cavity is very painful कैविटी बहुत ही पेनफुल हो पेनफुल दर्द दर, ठीक है बहुत ही दर्द देता है वेन वी, वी जब आप खाते हो मोर मोर एंड फूड पार्टिकल द कैविटी जब आप खाते हो तो ज्यादा से ज्यादा फूड पार्टिकल जो होते हैं वो एंटर कर जाते हैं आपकी कैविटी के अंदर ठीक है द टूथ टर्म्स बैक जिससे जो हम लोग का टूथ होता है वो काला होना शुरू हो जाता है द डिका कैन इवन स्प्रेड टू अनदर टीथ ठीक है जो डिकाय होता है कैन इवन स्प्रेड स्प्रेड मीनस विद फैनने लगता है टू अनदर टीथ ठीक है जिस टीथ में है उस टीथ से दूसरे टीथ में फैलने लगता है वी वुड बी इमीडिएटली टू कंसल्ट द डेंटिस्ट फॉर दिस प्रॉब्लम ठीक वी गो इमिडिएटली आपको जाना चाहिए इमीडिएटली तुरंत जाना चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए परामर्श लेना चाहिए ठीक है डेंटिस्ट से डेंटिस्ट कौन सा होता है बेटा डेंटिस्टमेंट डॉक्टर जो दांतों का इलाज करे उसको क्या बोला जाता है डेंटिस्ट फॉर दिस प्रॉब्लम और वहां पर जाना चाहिए और आपको अपनी प्रॉब्लम्स बतानी चाहिए ओके टूथ डिकाई मेनी कॉजेस फॉर फॉलोइंग प्रॉब्लम्स ठीक है टूथ डिकाय की वजह से फॉलोइंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो नीचे दी गए हैं ठीक है कैविटीज इन द टीथ ठीक है अधिटीथ के अंदर कैविटी हो जाता है आ टूची हो जाता है जब दांत का दर्द हो जाता है फिर स्मेल हो जाता है ठीक है जब फॉल स्मेल हो जाता है जब बदबू आने लगता है ब्लीडिंग ऑफ गम जब गम से ब्लीडिंग होने लगता है लॉस ऑफ टीथ जब दांत टूटने लगता है झड़ने लगता है ठीक है और इंडिगेसन इंडिगेसन से होता खट्टी डकार जब खट्टी डकार आने लगता है ओके अब हम देख देखते हैं क्या बेटा प्रिवेंशन ऑफ टूथ ठीक है टूथ को कैसे रोका जा सकता है टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी हम लोग बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है टीथ वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ इन द सेम वे वी टेक केयर ऑफ आवर बॉडी वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ ठीक है यह जरूरी होता है कि जैसे हम लोग अपनी बॉडी का केयर करते हैं वैसे ही अपने टीथ को भी टेक केयर करना चाहिए ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं ब्रश योर टीथ इन ए डे आपको एक दिन में टू टाइम ब्रश करना चाहिए ठीक ठीक है है वी वी शुड शुड नॉट नॉट ईट ईट टू मच स्वीट्स और चॉकलेट्स हम लोग को नहीं लेना चाहिए या नहीं खाना चाहिए ठीक है मच स्वीट आवश्यकता से ज्यादा और ज्यादा स्वीट्स और चॉकलेट्स ओके मिठाइयां और चॉकलेट्स नहीं लेना चाहिए ज्यादा फ्लश योर टीथ हम लोग का जो टीथ होता है उसको फ्लश करना चाहिए फ्लशिंग रिमूव द फूड सक स्टेक बिटवीन अवटीत एंड कैन नॉट बी रिमूव बाई ब्रशिंग जो फ्लशिंग होता हो, remove कर देता है फूड स्टक जो फूड फंसा होता है हम लोग के बिटवीन द अवटीत जो टीथ के बीच में होता है फसा हुआ होता है उसको रिमूव कर देता है जो ब्रश करने से रिमूव नहीं हो पाता है रेंज योर माउस थ्रूली आफ्टर ईटिंग टू रिमूव फूड पार्टिकल ठीक है बेटा रिंसिंस कुल्ला करना और मुथ आवर माउथ थ्रूली आफ्टर एटिंग टू रिमूव फूड पार्टिकल्स आपको खाना खाने के बाद ठीक है फूड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए कुल्ला करना चाहिए क्लीन योर टंक विथ टंक क्लीनर आफ्टर ब्रशिंग और जो आपकी टंक्स होती है उसको क्लीन करना चाहिए ब्रश के बाद टंग क्लीनर से नेक्स्ट दिया बेटा रिप्लेस आवर टूथ एवरी ट्वेल्व सुना ट्वेल्व वीक में आपका जो टूथब्रश होता है उसको रिप्लेस कर देना चाहिए ईट हेल्थी फूड एंड हेल्थी टीथ सच एज मिल्क रेजी बाजरा एटसेट्रा ईट हेल्थी फूड एंड हेल्थी इट हेल्थी फूडी टीथ सच एज मिल्क रेजी बाजरा एक्सेट्रा ठीक है इट हेल्थी फूड आप हेल्थी फूड लेते हो तो जो टीथ है वो भी आपका हेल्थी रहेगा जैसे एक्सेट्रा ठीक है विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली वंस इन सिक्स मंथ फॉर अ चेकअप ठीक है विजिट मीन्स दिखाना चाहिए बेटा डेंटिस्ट से आप मिलना चाहिए रेगुलरली वन इन दिक्स मंथ ठीक है सिक्स मंथ के बाद में प्रॉपर सिक्स मंथ की गैप दे करके आपका चेकअप कराना चाहिए डेंटिस्ट से ओके तो इस वीडियो में बस इतना है बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे ओके थैंक यू